Now, students, question number 12. If the height of a tower and distance of a point of observation from its foot both are increased by 10%, then the angle of elevation of its top remains unchanged. देखिए क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है. कह रहा है कि भाई मान लो हमने एक सिचुएशन दी, कंडीशन दी ऐसी, ये मान लीजिए हाइट कितनी है टावर की, एच है, ये 90 डिग्री है और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, थीटा है. और जिस पॉइंट से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं टावर का फुट है, ये क्या है टावर का फुट है, टावर के फुट से जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका डिस्टेंस कितना है, एक्स है, ठीक है ना. तो यहां से अगर हम टैन थीटा निकालते हैं तो टैन थीटा कितना आ जाएगा, एच बाय एक्स आ जाएगा. ठीक, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1. अब सुनो इन्होंने हमसे क्या बोला है कि इफ द हाइट ऑफ अ टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इट्स फुट बोथ आर इंक्रीज बाय 10%, मतलब हाइट ऑफ द टावर को भी 10% से इंक्रीज कर दो और जिस पॉइंट से खड़े होकर देख रहे हो वो डिस्टेंस फुट से वो जो डिस्टेंस है उसको भी 10% से इंक्रीज कर दो. ठीक, अब 10% से इंक्रीज कैसे करते हैं, ये बात आपको पता है, ध्यान से सुनो, 10% से इंक्रीज कैसे करते हैं, ये हम ऐसे इंक्रीज करते हैं, ध्यान से चेक करिए, देखिए न्यू हाइट कितनी हो जाएगी, न्यू हाइट कितनी हो जाएगी, ध्यान से सुनिए, न्यू हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट को 10% से इंक्रीज करने बाद कैसे हो जाएगी, जितनी थी उतनी तो रहेगी रहेगी और प्लस करना है, यानी कि h में हमको प्लस करना है क्या, 10% ऑफ h, आई रिपीट, जितना था उसमें उसका 10% ऐड कर दो, तो h प्लस 10% ऑफ h, ये लीजिए, समझ में आ गई बात, न्यू हाइट कैसे मिलेगी भाई, जितनी थी उसमें उसका 10% ऐड कर दो, तो h प्लस 10% ऑफ h. अब देखिए ये वाला h तो ऐसे ही रहेगा और प्लस 10% का मतलब 10/100, ऑफ को हटा के मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं और एच को ऐसे कॉपी कर लेते हैं. ठीक, यहां से आएगा एच और प्लस ये जीरो से जीरो कट गया, कितना आ जाएगा 1.10 एच. ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, अगर आप कॉमन है तो एच आप कॉमन ले सकते हो, तो एच अगर आप कॉमन लोगे यहां बचेगा 1, फर्स्ट टर्म में एच चला गया 1 बचेगा और प्लस 1/10. ठीक, अब h, अब इसको सॉल्व करना था 10 into 1 10 plus 1 11 by 10, इसे लेके सॉल्व कर लो 1 1 1, ठीक है इतना तो कर लोगे, कितना आएगा 11 by 10. ओके, नाउ अब ध्यान दो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आएगा मल्टीप्लाई करो तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 11 h into 11 11 h by 10, ये लीजिए ये न्यू हाइट होगी, ये क्या हो गई न्यू हाइट हो गई. इसी तरीके से न्यू बेस कितना हो जाएगा, यानी कि न्यू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, ठीक यहां पर निकाल दो न्यू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, न्यू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये कितना हो जाएगा, सो ये भी 10% से इंक्रीज करता है, मतलब पहले x था अब x प्लस 10% ऑफ x करना है, सॉल्व करिए x प्लस 10% का मतलब 10/100, ऑफ का मतलब इनटू और x, ठीक है इसको भी आप पूरा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 11x/10 आ जाएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हो जैसे हमने वहां पे सॉल्व किया. ठीक, अब यहां पर एक नया डायग्राम बनाएंगे ये इस तरीके से. ठीक, सो ये देखिए अब न्यू हाइट कितनी हो गई 11x/10, ये न्यू हाइट है 10% इंक्रीज करने के बाद. ओके, और इसी तरीके से न्यू बेस कितना हो जाएगा, न्यू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन 11x/10, ये न्यू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया. अब सुनो मेरी बात ध्यान से, उन्होंने हमसे ये पूछा है कि भाई ये बताओ कि देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप रिमेंस अनचेंज, मतलब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ठीक क्या ये सेम हो जाएगा, सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा, मतलब अनचेंज का मतलब क्या, ये सेम रहेगा, अगर ये सेम रहेगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, रिमेंस अनचेंज बोला उसने. ठीक, तो हम क्या करते हैं, अभी हमें नहीं पता कि क्या चल रहा है, तो हमने कहा भाई चलो ये वाला एंगल कितना है थीटा वन, न्यू एंगल कितना है थीटा वन, थीटा वन की वैल्यू निकाल लो, कैसे बता रहा हूं, टैन थीटा वन निकाला हमने, क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है 11h/10 बाय बेस कितना है 11x/10. ओके, अब आप क्लियरली देख सकते हो इसको, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 11/10, ये देखो 11/10 इनटू h और बाय 11/10 इनटू x. अब 11/10 से 11/10 चला गया, बहुत ध्यान से सुनिए क्या आ गया, tan थीटा 1 इज इक्वल्स टू h/x, h/x ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के राइट हैंड साइड इक्वल है, यस सर,
tan थीटा भी किसके इक्वल है, h by x, tan थीटा 1 भी किसके इक्वल है, h by x, थीटा क्या था ओरिजिनल एंगल, थीटा 1 क्या है नया वाला एंगल, तो ध्यान से सुनिए क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए टू इक्वेशंस के अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो उनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होते हैं, याद रखना, इसका राइट हैंड साइड इक्वेशन 1 का h by x, इसका क्या h by x, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 1, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा 1 आ गया, क्यों सर, क्योंकि दोनों ही h by x के इक्वल है, तो इक्वल आ गया, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जब भी टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इक्वल होते हैं ना, जब भी टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इक्वल होती है तो उनके एंगल पक्का इक्वल होंगे, tan थीटा, tan थीटा 1 के इक्वल है, tan से tan को छुपा लो, थीटा इज इक्वल टू थीटा 1, ये लिखिए थीटा इज इक्वल टू क्या थीटा 1, यानी कि जो नया एंगल ऑफ एलिवेशन है वो पुराने वाले के इक्वल है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन रिमेन्स अनचेंज, एंगल ऑफ एलिवेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो याद रखेंगे एक कॉन्सेप्ट, जितने परसेंटेज से हाइट को इंक्रीज किया अगर उतने ही परसेंटेज से आप पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को भी इंक्रीज कर देंगे, ठीक, तो आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि टैन निकालोगे तो टैन तो किसका रेशियो था, परपेंडिकुलर बाय बेस का, तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले भी h by x आ रहा था, अभी भी क्या आ रहा है h by x, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है, ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आई थिंक ये आपका फिनिश हो गया है, ओके, यस ऑब्वियसली देयर आर टोटल 12 क्वेश्चंस, ये फिनिश हो गया है।